नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो हमारे चैनल पे एक सीरीज चलती है उत्तराखंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो उसी सीरीज में हम एक और पेपर लेके आए हैं। ये पेपर है उत्तराखंड पुलिस रैंकर परीक्षा का, जो कि हुआ था फरवरी 2021 में। तो इस पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 50 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन थे वो आईपीसी और सीआरपीसी से संबंधित थे, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था। तो 50 क्वेश्चन है उत्तराखंड जीके, जीएस और हिंदी के आए थे, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लगभग 20 से 25 UK SSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नमामि गंगे अभियान शुरू हुआ। तो देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2014 में नमामि गंगे अभियान शुरू हुआ। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो देखिए, उत्तराखंड में 7 जुलाई 2016 को नमामि गंगे अभियान की शुरुआत हुई थी, ठीक है। जो उत्तराखंड में नमामि गंगे अभियान है, नमामि गंगे परियोजना है, इसकी शुरुआत हुई थी 7 जुलाई 2016 को। कहां से हुई थी? हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान से, ठीक है। और केंद्र की अगर हम बात करें तो 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की। तो देखिए, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने, ठीक। कब की थी? 1971 में। और कहां पर की थी? हरिद्वार में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सार्गेसो सागर स्थित है। तो देखिए, सार्गेसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है। जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, इसकी जो जलधारे हैं, वहां पर सार्गेसन नाम की घास पाई जाती है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, सार्गेसो सागर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समष्टि का विलोम क्या है? तो देखिए, समष्टि का विलोम का ऑप्शन नंबर डी, वेस्टी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारत में उदारवादी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। तो देखिए, भारत में उदारवादी औद्योगिक नीति की घोषणा होती है 24 जुलाई 1991 में, ठीक है। और इस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। तो इन्हीं के टाइम पे भारत में उदारवादी औद्योगिक नीति की घोषणा हुई। अगर भारत में औद्योगिक नीति की बात करें तो 1948 में भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा होती है, ठीक है, पहली औद्योगिक नीति। इसके बाद 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति आती है। और वहीं उत्तराखंड की बात करें तो देखिए, उत्तराखंड में 2001 में औद्योगिक नीति की घोषणा होती है और नई औद्योगिक नीति आती है 2003, ठीक है। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है। तो देखिए, यह है समुद्रगुप्त से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। समुद्रगुप्त के दरबार में दरबारी कवि थे हरिसेन, उनकी ये लेख है प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जागेश्वर मंदिर स्थित है, तो यह है अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। उत्तराखंड में रैणी गांव जाना जाता है, तो चिपको आंदोलन के लिए जाना जाता है रैणी गांव, ठीक है। और हाल ही में यहाँ पर ग्लेशियर टूटने की वजह से बाढ़ भी आ गई थी ऋषि गंगा में, ठीक है। तो ये रैणी गांव चौमोली में स्थित है, रैणी गांव आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नचिकेता ताल स्थित है। तो नचिकेता ताल है उत्तरकाशी जिले में, ठीक है। उत्तरकाशी जिले में और कौन कौन से ताल है? डोडी ताल, बाया ताल, काणा ताल और लामा ताल, ये ताल जो है उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। अगला है, उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? तो देखिए, आरएस टोलिया, रघुनंदन सिंह टोलिया जो है सूचना आयोग के प्रथम सूचना आयुक्त थे उत्तराखंड के, ठीक है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में पद खाली है, अभी हाल ही में ही उत्तराखंड के सूचना आयुक्त ने इस्तीफा दिया था, जिनका नाम था शत्रुघ्न सिंह, ठीक है। इन्होंने इस्तीफा दिया था, ये बन गए थे मुख्यमंत्री के सलाहकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो देखिए, राज कपूर को प्राप्त हुआ है और पृथ्वीराज कपूर को प्राप्त हुआ है, शशि कपूर को भी दिया गया है और ऋषि कपूर को ये पुरस्कार नहीं दिया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सैन्य छावनी नहीं है? तो देखिए, रानीखेत चकराता लेंसडाउन में है, ठीक है, और बद्रीनाथ में सैनी छावनी नहीं है। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रानीखेत चकराता और लेंसडाउन सैनी छावनी की स्थापना कब हुई। नेक्स्ट है, एशिया का वह देश जो G8 समूह का सदस्य है। तो देखिए, एशिया का एकमात्र देश है G8 का सदस्य, वो है जापान। लेकिन फ्रेंड्स, अभी ये जो है ये G8 नहीं है, अब ये है G7, ठीक है। पहले ये था G8, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में G7 की, और 1998 में इसमें जुड़ जाता है रसिया, तब ये बन जाता है G8, ठीक है। और G7 जो है ये एडवांस इकोनॉमी वाले देशों का ग्रुप है, ठीक है। लेकिन 2014 में रशिया इसमें से बाहर हो जाता है क्रीमिया विवाद के बाद, अब ये है G7, ठीक है। हाल ही में इसका समिट हुआ है ब्रिटेन में, जिसमें भारत को भी इनवाइट किया गया था एज अ ऑब्जर्वर कंट्री। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये G8 नहीं है, ये G7 है, ठीक है। और इसका हिस्सा एकमात्र एशियन कंट्री है, वो है जापान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक
रेशेदार फसल नहीं है। तो देखिए कॉफी की फसल जो है एक रेशेदार नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तराखंड राज्य का स्थान है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 18वां। पहले था इसका स्थान 19वां, ठीक है। लेकिन अभी जो है जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो अब वो राज्य नहीं रहा। अगर राज्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अब इसका स्थान हो गया 18वां, ठीक है। उत्तराखंड का अब स्थान हो गया 18वां। अगर बात करें भारत के कुल क्षेत्रफल का, उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, तो आपको पता होना चाहिए 1.69% है भारत के कुल क्षेत्रफल का, ठीक है। अगर हम राज्य और यूनियन टेरिटरी को साथ में लेके बात करें तब इसका होगा 19वां स्थान, क्योंकि अभी जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख है उसका क्षेत्रफल उत्तराखंड के क्षेत्रफल से अधिक है, ठीक है। अगर बात करें हम जनसंख्या की, तो देखिए जनसंख्या में उत्तराखंड का स्थान पहले था 20वां, अब यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर बनने से उत्तराखंड का स्थान हो गया अब 19वां, ठीक है। आपको बताना चाहिए 19वां स्थान है उत्तराखंड का। और उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो यह है 0.83%, ठीक है। कितना है 0.83%। और उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो यह है 53,483 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यह है उत्तराखंड का क्षेत्र। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 19वां स्थान नहीं है, अब जो हो गया 18वां स्थान हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिका के लेखक है, तो इंडिका के लेखक है मैगसनीस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। शायद आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, ये जो पेपर है उत्तराखंड डिपार्टमेंटल एग्जाम होता उत्तराखंड पुलिस का उसका है, लेकिन फिर भी आपको ये वीडियो को पूरा देखना है। आप अपना स्कोर भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको आते थे पहले से, ठीक है। अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट है उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया, तो देखिए इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन है 1 जनवरी 2007 को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द है ऑप्शन नंबर बी पुष्प, ठीक है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई, तो देखिए 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई, इसीलिए हम 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। और भारत में मानव अधिकार अधिनियम कब आता है, 1993 में, ठीक है। और भारत के वर्तमान NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, वो है अरुण कुमार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो देखिए ये क्वेश्चन तो एवरग्रीन क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उज्ज्वल, ठीक है। इसको देखिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, सभी सेम लगते हैं, तो आप शायद कई लोग इसको ऑप्शन नंबर ए को भी टिक कर दे, लेकिन उज्ज्वल को पहचानने के लिए मैं आपको बता दूं उज्ज्वल में दोनों जो जो है आधे आते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक डांडी मार्च का संबंध है, तो देखिए नमक के कानून से संबंध है, और डांडी मार्च यात्रा की शुरुआत कब हुई थी, 12 मार्च 1930 को, ठीक है। डेट भी आपको याद रखनी है। जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है जिज्ञासु, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्न में से अलकापुरी प्राचीन नाम है, तो देखिए चमोली का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण मूर्धा द्वारा होता है, तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी टॉ, ठीक है। देखिए कंठ से होता है क ख ग घ ङ, इसके बाद तालु आता है, तालु से होता है च छ ज झ ण, इसके बाद होता है मूर्धा, मूर्धा से होता है ट ठ ड ढ। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा लाई गई, जो कि ब्रिटिशर्स लाए थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 1806 में सबसे पहले पत्र मुद्रा चलाई गई थी भारत में, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन है, तो देखिए अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं, जिनको बोलने में कम समय लगता है और कम वायु निकलती है, ठीक है। जैसे कि क ग, ठीक है, ये जो है अल्प प्राण व्यंजन है, ठीक है। टोटल 20 जो है अल्प प्राण व्यंजन है, ठीक है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी क, ठीक है, क जो है अल्प प्राण व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, तो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होता है 2005 में, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम भारतीय स्थान पूछा गया, तो देखिए लिपुलेख इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो देखिए ये है पिथौरागढ़ जनपद में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। और किसके लिए फेमस है, कस्तूरी मुर्गी के लिए फेमस है, ठीक है। और स्थापना बताइए कमेंट बॉक्स में, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, तो देखिए राम फल खाता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ये जो है सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, बाकी सब अकर्मक क्रिया वाले वाक्य। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, तो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आगत स्वर अ लिया गया है, देखिए आगत स्वर जो है ये लिया गया है अंग्रेजी भाषा से, ठीक है। इस आगत शब्द कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जैसे हम लिखते हैं ऑस्कर, ठीक है, ऑस्कर कॉलर, ठीक है, यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये लिया गया है अंग्रेजी भाषा से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है।
नेक्स्ट है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल अनुच्छेद है, तो देखिए 30 अनुच्छेद है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, तो भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। शीला ने मोहन को डांटा इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कर्म कारक है, शीला ने मोहन को डांटा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चंद्रमा का प्राची नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी शेखर जो है चंद्रमा का प्राची नहीं है, बाकी इंदु शशांक रजनी जो है चंद्रमा की प्राची है। उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल थे, तो मेहरबान सिंह नेगी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक ग्राम है, तो देखिए पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में जो है सर्वाधिक ग्राम है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है धारावी मलिन बस्ती भारत के किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सौर सैनी। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपी उत्तर प्रदेश में भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रोम्बा भाषा है, तो देखिए जाट जनजाति की भाषा है रोम्बा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट है भारत में नागरिक सेवा सिविल सर्विस का जन्मदाता कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक आय का स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त, तो सभी इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रशासनिक आय व्यावसायिक आय और कर तीनों जो है सार्वजनिक आय का स्रोत है। अगला है न्यायाधीश शब्द में संधि है, तो देखिए दीर्घ संधि है, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, न्याय धन अधीश। ठीक है, ये हो जाएगा न्यायाधीश, इसमें है दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है उल्टी माला फेरना मुहावरे का अर्थ है, तो बुरा सोचना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अनुकरण शब्द में उपसर्ग है, तो देखिए अनुपसर्ग हो जाएगा अनुकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है युगांतर काव्य कृति है, तो यह है सुमित्रा नंदन पंत की, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है भारत का वह क्रिकेट स्टेडियम जहां 2016 को पहली बार गुलाबी गेंद का प्रयोग हुआ था, तो ये था ईडन गार्डन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, कोलकाता में स्थित है, और फिरोजा कोटला कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है, सवाई मानसिंह जयपुर में स्थित है, और वानखेड़े जो है मुंबई में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे 50 क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करा दिया आपको, और बाकी जो क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट थे वो सारे हमने इसमें सॉल्व करा दिए। और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से आते थे। ठीक है, और बाकी यूपी उत्तर प्रदेश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, यूपी उत्तर प्रदेश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, वहां पर आपको सारे यूपी उत्तर प्रदेश के प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। तो ये था इस वीडियो का एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड विल शो।